यह है हीरो की ग्लैमर बाइक और ये बाइक अभी वाइट स्मोक दे रही है, सैलेंसर के जरिए से सफ़ेद धुआं दे रहा है। तो इसके लिए हमें हाफ इंजन का काम करना होगा और हाफ इंजन में जो काम होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है रिंग सिर्फ चेंज करना, दूसरा होता है रिंग पिस्टन को चेंज करना। यानी कि तीन तरह का काम होता है, रिंग पिस्टन चेंज करना और तीसरा होता है पूरा सिलेंडर ब्लॉक को चेंज करना। जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि ये सिलेंडर ब्लॉक किट है, ये सिलेंडर ब्लॉक इन्हीं के अंदर रिंग होता है और वो रिंग घिस जाने की वजह से गाड़ी सफ़ेद धुआं मारती है और इंजन से ऑयल कम होने लगता है। बहुत बाइक का ऐसा है कि सफ़ेद धुआं नहीं मारता है फिर भी इंजन से ऑयल कम होता है, तो उसका भी यही कंप्लेंट आ जाती है, रिंग कमज़ोर हो जाती है। तो फाइनली मैं इसका हेड सिलेंडर खोलूँगा और सिर्फ इसका हमें रिंग चेंज करना है। कम कीमत में कम खर्च में हम इसका काम करेंगे और आप इस वीडियो को देखिए कि ये रिंग, और ये भी देखना है हमें कि ये रिंग चेंज करने से होगा या नहीं होगा, ये हम पहले ही देख लेंगे। ये सिलेंडर ब्लॉक जब हम खोलेंगे तो इसकी जो रिंग घिसा हुआ है, ये जो सिलेंडर का स्थिति है वो हमें देखना है क्या हालात में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये सफ़ेद धुआं गाड़ी देती है या नहीं। तो भाई देखा आपने कि ये गाड़ी सफ़ेद धुआं दे रही है, लेकिन इंजन का जो साउंड है वो बिल्कुल सही है, ना इसका टाइमिंग चेंज साउंड कर रहा, ना पिस्टन साउंड कर रहा, ना कोई करेंक साउंड कर रहा, यानी कि इंजन का अच्छा आवाज़ है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका रिंग चेंज करके मैं कम खर्च में इस गाड़ी को निकाल दूँ, क्योंकि ग्राहक को देखते हुए भी हमें काम करना होता है। अगर हम बोरो वर्क कराएंगे तो 3,350 लग जाती है और अगर हम रिंग चेंज करते हैं तो इसमें 1,000 से 1,200 या 1,300 में हो जाती है। चलो मैं इसे खोलता हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि हेड सिलेंडर कैसे खोला जाता है, बाकी मैं आपको इस बार नहीं बताऊँगा, सिर्फ रिंग खोल के आपको दिखाऊँगा रिंग की फिनिशिंग के बारे में। हमने इसका हेड सिलेंडर खोला और मैं आपको रिंग दिखाना चाहूँगा कि रिंग का फिनिशिंग क्या है, अभी पुराने वाले रिंग का। ये देख सकते हैं मैंने टॉप 2 का रिंग लगा के रखा है इसके अंदर और इसमें गैपिंग नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं, और यही गैपिंग बढ़ जाने से गाड़ी धुआं मारने लगती है। ये देख सकते हैं, हालांकि उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अदर बाइक में जो खड़ी इंजन होती है 125 सीसी की, इससे ज़्यादा घिसता है तभी गाड़ी धुआं मारती है, लेकिन ये जो इंजन होता है 125 का ग्लैमर, ये नीचे पट होने की वजह से, गिरा हुआ होने की वजह से ज़्यादा दिन नहीं चलता और गाड़ी जल्दी धुआँ मार देती है। और सिर्फ इसी के कारण से नहीं होता है, इनमें से जो पतले वाले रिंग होते हैं, पतले वाले रिंग के वजह से भी इस गाड़ी में धुआं मारता है। ठीक है, ये टॉप 2 का रिंग है, टॉप 2 के वजह से ही ज़्यादा धुआं मारता है, बाकी पतले वाले रिंग से भी मारता है। और मैंने इसका रिंग लिया आया स्टैंडर्ड साइज़ का, जो साइज़ का निकलता है इंजन से वही साइज़ का मैं लगाना चाहिए। ये जो साइज़ है रिंग का, ये बिल्कुल 0 साइज़ है, अभी तक इसका इंजन नहीं खुला था, ये पहली बार खुला है मेरे पास। और पिस्टन भी देख सकता हूँ कि पिस्टन भी इसका बिल्कुल सही है, पिस्टन भी घिसा हुआ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि पिस्टन आवाज़ नहीं कर रही, ना करें कि ना टाइमिंग चेन, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि पिस्टन ज़्यादा घिसा भी नहीं है, हल्का सिर्फ दाग आया है, लेकिन ये पिस्टन घिसा नहीं है जिस तरीके से पहले मैंने एक बाइक का दिखाया था। और ज़्यादा घिस जाती है तो फिर इसके वजह से पिस्टन आवाज़ करती है, और अगर हम रिंग भी लगा देंगे तो भी पिस्टन आवाज़ नहीं करेगी। हमने ये ओरिजिनल रिंग लाया है, हम फाड़ कर ही वहाँ देख लेते हैं कि हो सकता है कि रिंग में कोई फॉल्ट वगैरह हो, तो वापस करके दूसरा रिंग लेंगे। तो मैंने हीरो का जो प्रोडक्ट मैंने इसका ओपन किया, हमने जो इसका सील तोड़ा, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे उषा का रिंग इसमें निकला हुआ है, जबकि पहले जो रिंग था इसके अंदर टीवी का रिंग था। ये देखिए, पहले का जो रिंग है वो टीवी का रिंग है, जी टी पी गोच का। देखिए, ये टीपी गोच का रिंग है और हमारे पास जो हाथ में नया रिंग है ये है उषा का, ये उषा ब्रांड का है और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है, 0 साइज़ हुआ। इसको भी हम नाप कर देख लेते हैं। ये देखिए, पहले जो रिंग था पुराना वाला, उसमें गैपिंग नज़र आ रहा था, लेकिन इसके अंदर गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर ध्यान दे तो बहुत ही बारीक सा आपको दिखाई देगा, लेकिन इसकी को ये वाला जो गैपिंग है इतना रहता है कंपनी से। ठीक है ना, और ये टॉप 2 वाला रिंग है, टॉप 2 को ही हम चेक करते हैं, और चाहे तो आप पतले वाले रिंग को भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी अंतर है, पहले जो मैंने चेक किया था उसका पुराना वाला रिंग, उससे ये काफ़ी अंतर है।
मैं आपको फिर से दोनों रिंग चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पतला वाला रिंग भी ज़्यादा घिसा हुआ है और साथ में टॉप टू वाला रिंग भी घिसा हुआ है। ये सब तो नया वाला है, पुराना ये है। तो जहाँ तक ये वाला रिंग साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिंग गैपिंग है और इनके वजह से गाड़ी धुआं मार रही है। उम्मीद है कि इस रिंग को हम जब लगाएंगे तो गाड़ी धुआं मारना बंद कर देगी। हो सकता है थोड़ा शुरू में धुआं मारे, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। बाकी इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आई बटन पर भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली इस हेड सिलेंडर को फिटिंग किया और मैंने बाइक को स्टार्ट किया। देख सकते हैं मैंने हेड सिलेंडर को फिट कर दिया और अभी ये गाड़ी स्टार्ट है। इसकी आवाज़ आप सुनकर बता सकते हैं कि आवाज़ में कुछ बदलाव आई या नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इंजन में ऐसा कोई आवाज़ नहीं है, ना पिस्टन का, ना क्रैंक का, ना टाइमिंग चेन का, ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं है। और अब भी ये आवाज़ नहीं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे इंजन होते हैं जो हम रिंग फिटिंग करते हैं तो पिस्टन की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें पिस्टन की आवाज़ नहीं आई क्योंकि पिस्टन पहले से घिसा हुआ नहीं था। अगर घिसा हुआ रहता और रिंग सिर्फ डालते तो पिस्टन आवाज़ क्या जाती, कट 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 जैसा आवाज़ करता, लेकिन ये गाड़ी आवाज़ बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही है। आवाज़ बिल्कुल सेफ है, इंजन की आवाज़ बिल्कुल अच्छी है और इसकी धुआँ भी बंद हो चुकी है। अब मैंने कस्टमर से कहा, मैंने आपका ये ट्रिप जो है किलोमीटर ये जीरो कर दिया, मैंने इंजन ऑयल भी डाला इसके अंदर। और पहले जो मैंने इंजन ऑयल देखा था, ये जो शीशा है, ये शीशा बिल्कुल दिखाई दे रहा था और नीचे पड़ी हुई थी इसका इंजन ऑयल, ठीक है। इसका इंजन ऑयल यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था और शीशा बिल्कुल खाली था। अब जो मैंने नया इंजन ऑयल डाला तो ये शीशा बिल्कुल भर चुका है। मैंने इनसे कहा कि आप 1000 किलोमीटर चला के फिर आप हमसे मिलना और उसके बाद हम इंजन ऑयल देखेंगे, या फिर 1500 किलोमीटर चला के आप मेरे पास आइए, या 3000 भी चल जाती है तो मेरे पास आइए, मैं देखूँगा इंजन ऑयल चेक करके कि इंजन ऑयल कम हुआ या नहीं। अगर इंजन ऑयल कम होती है या फिर हम एक्सीलेटर दे के छोड़ेंगे, एक सप्ताह के बाद फिर एक्सीलेटर हम झाड़ेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे धुआं मारती है तो फिर हमें अपने हिसाब से सोचना होगा क्या करना होगा। फिर ये गाड़ी बिल्कुल सक्सेस हो चुकी है, धुआं बंद हो चुकी है अभी के लिए।